यहाँ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा सांप दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट का शिकार करने वाला है। हम सभी के लिए सांप एक बहुत खतरनाक जीव है। हर साल ये लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों को काटते हैं। इनमें से किसी सांप का जहर बहुत घातक है तो किसी सांप का गुस्सेल व्यवहार, और कई सांप ऐसे भी है जिनके पास ये दोनों विशेषताएँ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एनाकोंडा अमेरिका का सबसे घातक सांप है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम बात करने वाले हैं अमेरिका के 10 सबसे घातक सांपों की। इनमें सबसे घातक सांप कौन सा है, अभी जो आपके सामने है ये भी सबसे घातक हो सकता है, तुम्हारे बचने के क्या चांसेस है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका घर है करोड़ों लोगों का, और साथ में ये लाखों सांपों का घर भी है, जिनमें जहरीले सांपों से लेकर हड्डियों को चकनाचूर कर देने वाले सांप भी शामिल है। किस सांप से आपको सबसे ज़्यादा डर कर दूर रहना है और किस सांप की परवाह आपको सबसे ज़्यादा करनी है, चलिए जानते हैं। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है पानी के भराव के हिसाब से। ये घर है दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा का। 30 फीट लंबा और लगभग 400 किलो से ज़्यादा वजनी ये सांप अमेजन के जंगलों का सबसे ताकतवर सांप है। इसके मुंह में 100 से ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़े हुए तेज नुकीले दांत है। ये खतरनाक जानवर आपके साथ क्या क्या कर सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एनाकोंडा ज़्यादातर समय पानी के अंदर ही रहते हैं। ये लगभग 10 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। अगर आप ऐसे इलाके में हो जहां पर कोई एनाकोंडा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक भारी पर कम ताकतवर सांप बिल्कुल आपके पैरों के तले, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। उनके अचानक हमला करने की तकनीक, जकड़ने की बेमिसाल ताकत आपको मिनटों में गहरी नींद में सुला सकती है। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अमेजन नदी के आसपास रहते हैं, पर एनाकोंडा इंसानों से ज़्यादा इसके नेचुरल शिकार पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट का शिकार करता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एनाकोंडा दुनिया के सबसे ताकतवर सांपों में से एक है, लेकिन आगे आने वाले सांप इस एनाकोंडा को भी मात दे सकते हैं। नीचे जमीन पर एनाकोंडा घूमता है तो पेड़ों पर रहता है एक और ऐसा ताकतवर सांप जिसके पास जहर तो नहीं है, लेकिन जकड़कर शिकार करने में वो भी किसी से कम नहीं। लगभग 30 किलो वजनी रेड टेल्ड बोआ अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है, लेकिन शिकार ये किसी का भी कर सकता है। बहुत से लोग अमेरिका में इस सांप को पालते हैं। शुरुआत में ये काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जवान होते होते इस सांप की लंबाई लगभग 10 फीट तक चली जाती है। आपके घर में एक 10 फीट लंबा पालतू सांप और वो भी आपके बच्चों के साथ, ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये सांप दिखता मासूम है, लेकिन अब तक अकेले अमेरिका में 20 से ज़्यादा बच्चों को ये शिकार बना चुका है, और इसीलिए रेड टेल बोआ भी अमेरिका के सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है। अमेजन के ये घने जंगल खतरों से भरे हुए हैं। अमेरिका में 10 सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में पहला जहरीला सांप जिसे हम शामिल करने जा रहे हैं वो है अमेरिकन बुशमास्टर। ये अमेजन का सबसे लंबा जहरीला सांप है। एवरेज लंबाई लगभग 6 फीट, लेकिन कभी कभी ये लगभग 12 फीट लंबा भी हो सकता है। इसके पास है 1.5 इंच लंबे जहरीले दांत जो किसी भी जानवर के मसल के अंदर तक जहर छोड़ सकते हैं। इसका जहर दुनिया के सबसे घातक जहरों में गिना जाता है। इसका जहर किसी भी जानवर के मसल और टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है, और शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना एक आम बात है। ये खतरनाक तो है, लेकिन इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम होता है, और जब होता है तो ये सामने वाले को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये नाकाम रहे तो फिर ये काट भी सकता है, और अगर इसने काटा तो फिर सामने वाला बच नहीं सकता। इसके इस खतरनाकपन की वजह से इस सांप को हमारी लिस्ट में जगह मिलती है 6 स्थान पर। एनाकोंडा को हम 8वां स्थान देंगे और रेड टेल्ड बोआ 9वें स्थान पर है। कोस्टा रिका की जमीन पर यह सांप विचरण करता है। इसका नाम है कैस्कबाल रेटलर। ये अपनी घुंघराली पूंछ को हिलाकर सामने वाले को वार्निंग देते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे से दूर रहो, नहीं तो मैं आप पर भारी पड़ जाऊँगा। ये हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके हमला करने की रफ्तार एक फॉर्मूला कार से 50 गुना ज़्यादा होती है।
ये एक सेकंड के दसवें हिस्से में 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। आपकी पलक तो क्या, आप सोच भी नहीं सकते उससे पहले आप इसका शिकार बन जाओगे। इसके काटने के तुरंत बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत तेज दर्द होगा और अचानक से पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा और एक ही झटके में मौत पक्की है। इस सांप के इस खतरनाकपन की वजह से ये हमारी लिस्ट में सभी सांपों को मात देते हुए अपनी जगह बनाता है चौथे स्थान पर। जब ये सांप इतना खतरनाक है तो आगे आने वाले सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मध्य अमेरिका करोड़ों लोगों और लाखों सांपों का घर है, एकदम परफेक्ट मौत का तांडव। मिलिए आइलेस वाइपर से, दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक। तरह तरह के रंगों में होने की वजह से ये कहीं भी हो सकता है। ये अपने रंग के हिसाब से आसपास के वातावरण में छुपा रहता है। ये किसी फल की टोकरी में भी हो सकता है तो किसी के घर के किसी छोटे से पौधे में भी ये रह सकता है। इस सांप का जहर ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है और इंसानों के कुछ ज़्यादा ही करीब रहने की वजह से ये लोगों को काटता ही रहता है। कई बार ये लोगों की मौत का कारण भी बनता है। हमारी लिस्ट में इस सांप को जगह मिलती है सातवें स्थान पर। यहाँ अमेरिका में एक और सांप है जिसे बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो। इसका नाम है कोरल स्नेक। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसका जहर बहुत घातक है। हालांकि सामने वाले जानवर को जब ये काटता है तो बस जहर की थोड़ी सी मात्रा ही ये सामने वाले जानवर में छोड़ पाता है। हर साल हजारों लोग इस सांप का शिकार बनते हैं और कई सारे लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। इस सांप का जहर दूसरे सांपों से कुछ अलग तरह से काम करता है। शिकार को पता ही नहीं चलता कि इसने कब काट लिया। काटने के दौरान चींटी काटने के जैसे दर्द होता है और फिर कुछ घंटे बाद अचानक से दिल का दौरा पड़ने या फिर दिमाग का संतुलन शरीर से हट जाने की वजह से मौत से सामना होना पक्की बात है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको इस सांप ने काट लिया है तो आप तुरंत अस्पताल जाकर बच सकते हो। इसीलिए इस सांप को हमारी लिस्ट में जगह मिली है दसवें स्थान पर। पश्चिमी अमेरिका में इन विरान इलाकों में रहता है एक रेटल स्नेक। इसका पूरा नाम है वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक। ये कोई आम सांप नहीं है। इसके पास इतना जहर है कि उससे ये लगभग 300 चूहों को गहरी नींद में सुला सकता है। लेकिन शिकार करने के दौरान ये अपने जहर पर पूरा कंट्रोल रखता है और ज़रूरत के हिसाब से ही सामने वाले जानवर में जहर छोड़ता है। किसी चूहे को दम तोड़ने में एक मिनट से भी कम का समय लगेगा और किसी इंसान के लिए 20 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके खतरनाक असरदार जहर और आक्रामक व्यवहार की वजह से ये हर साल हजारों लोगों को काटते हैं, जिनमें से कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस सांप की इन सभी खतरनाक विशेषताओं की वजह से ये अब तक के सभी सांपों को मात देते हुए तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाता है। वहीं अमेरिका के पूर्व में इसी की प्रजाति का एक और सांप रहता है जिसे जाना जाता है ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक के नाम से। इसका जहर वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक से ज़्यादा खतरनाक है। सामने वाले जानवर के टिश्यूज को ये इस प्रकार से डैमेज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। काटने के तुरंत बाद सामने वाले जानवर के शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है और शरीर अंदर से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इंसान खुश नसीब है कि ये सांप उनके आसपास नहीं रहता। ये सांप पूर्वी अमेरिका के घने जंगलों में रहता है लेकिन फिर भी इसका इंसानों से सामना होता रहता है और हर साल ये कई लोगों की मौत का कारण बनता है। इसीलिए हमारी लिस्ट में इस सांप को दूसरा स्थान मिलता है। इसी के इलाके में एक और सांप रहता है जो दुनिया का इकलौता सेमी इक्वेटिक पिट वाइपर है। इसका नाम है कॉटन माउथ। आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये सांप ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक को खा जाता है। रेटल स्नेक का जहर इस सांप पर कोई असर नहीं करेगा और फिर ये आकार में भी बड़ा है और ये एक वाइपर है जिसका जहर रेटल स्नेक से ज़्यादा खतरनाक है। कॉटन माउथ का जहर रेटल स्नेक के जहर को बेअसर कर देगा और रेटल स्नेक बड़ी आसानी से कॉटन माउथ का शिकार बन जाएगा। लेकिन ये हम इंसानों के लिए इतना घातक नहीं है। बहुत ही कम हमले इंसानों के ऊपर इस सांप के देखने को मिले हैं और हमारे पास एंटी वेनम भी है, इसीलिए इंसान इस सांप का बहुत कम शिकार बनते हैं। और यही कारण है कि कॉटन माउथ रेटल स्नेक से ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद अमेरिका के सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाता है। हमने वाइपर देखे, रेटल स्नेक देखे, जकड़कर मारने वाले ताकतवर सांप देखे, लेकिन अब मिलिए दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक जहरीले सांप से। इसका नाम है हार्डलेंस।
ये सांप इंसानों के कुछ ज्यादा ही करीब है और हर साल हजारों लोगों को ये काटता है और हजारों लोग ही इस सांप का शिकार बनते हैं। ये सांप ना तो सबसे बड़ा सांप है, ना ही ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और ना ही इसके पास सबसे घातक जहर है, लेकिन इसका आक्रामक व्यवहार इसे सबसे ज्यादा खतरनाक घातक सांप बनाता है। ये वही सांप है जो काटता पहले है और पूछता बाद में। ये हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और सामने वाले जानवर को काटने में कोई कमी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि ये तो किसी भी जानवर को अवॉइड करने की कोशिश भी नहीं करता, ये सीधा उस पर हमला करता है। और यही कारण है कि ये सांप दूसरे सभी सांपों को पछाड़ते हुए अमेरिका महाद्वीप का सबसे घातक सांप है। भले से सांप खतरनाक हो, घातक हो और हम इंसानों के लिए खतरा हो, लेकिन इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है और हमें कभी भी इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इनको परेशान करने के दौरान गलती से अगर ये आपको काट ले तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।